लिखते हैं हमारे चैप्टर का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर करेक्ट। अब देखो ए और बी ऑप्शन का इक्वेशन सिमिलर प्रोडक्ट अलग। अब देखो ये एक्सेस का मतलब क्या हो, ये रिएक्शन करेगा भी और बच भी जाएगा, और जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में है वो दूसरे वाले को कंप्लीट खत्म कर देगा, मतलब दूसरे वाले को क्या कर देगा, लिमिटिंग रिएजेंट बना देगा। सो आर एक्स प्लस एन एस थ्री नाइट्रोजन लोन पेयर के साथ अटैक करेगा, ठीक है, आर एक्स प्लस एन एस थ्री लोन पेयर बना, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा एक्स बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा आर एन एस थ्री प्लस एक्स माइनस, ऐसा होना चाहिए। अब देखो ये क्या बन गया, ये बेस है, ये क्या है बेस है, और ये क्या बन गया एसिड, ये बेस था ये क्या बन गया एसिड। अब यहाँ पे ये एक्सेस है तो कुछ और भी एन एस थ्री होगा, ये एन एस थ्री फिर से क्या बनेगा बेस, ये क्या बना हुआ एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा ये एन एस थ्री, ये एन एस थ्री एच प्लस का लॉस खाएगा, क्या बन जाएगा आर एन एच टू, और एन एस थ्री इसको क्या होगा एक एच प्लस का फायदा होगा, ये क्या बन जाएगा एन एच फोर प्लस। ए और बी में बी ज्यादा बेटर बिकॉज इसमें ये एक्सेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट वाले रिएक्शन में यहीं पे रोक दे रहा है, लेकिन एन एस थ्री एक्सेस है तो यहाँ तक जाएगा, ए से ज्यादा बेटर बी, ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं, बोथ आर इक्वल इम्पोर्टेंट, नहीं बी ज्यादा बेटर होगा, आर एक्स प्लस एन एस थ्री एक्सेस। अब यहाँ पे क्या है आर फोर एन प्लस, ये तब होता, ये तब होता जब मेरा आर एक्स एक्सेस में, ठीक है, देखो अगर आर एक्स एक्सेस में होता तो एन एस थ्री उस पर तब तक अटैक करते रहता ये नाइट्रोजन जब तक उसके पास हाइड्रोजन है, तो उस केस में तो अगर ये एक्सेस होता, अगर ये एक्सेस होता तो ये प्रोडक्ट बन सकता था, लेकिन एक्सेस कौन है एन एस थ्री, तो इसको खत्म हो जाना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा आर सप्लाई नहीं कर पाएगा, जो कम है वो कम सप्लाई कर पाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड इज C2H5Cl, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है इथाइल अमाइन में CH3CH2NH2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला है रिडक्शन विद SN प्लस HCl, अगर आपको याद हो तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं, तो इससे क्या बनता है हमें एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड बनाने का दो मेथड है, रोजेनबुंड रिडक्शन एंड स्टीफन रिडक्शन, उसका है तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन रिडक्शन विद LiLH4 करोगे तो क्या बनेगा C2H5CH2NH2 बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बनाता है तो प्रोपाइल अमीन बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूं तो ये क्या बनेगा C2H5CO2H प्रोपेनोइक एसिड बना, फॉलोड बाय हीटिंग विद अमोनिया, अब किसी ने अगर इसको अमोनिया के साथ हीट किया तो क्या बनेगा एमाइड बन जाएगा C2H5CONH2, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद है डेन अल्केलाइन ब्रोमीन ऑफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन Br2 प्लस NaOH, क्या बन जाएगा स्टेप डाउन प्रोसेस, एक कार्बन गायब, ये बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री है द टर्शियरी अमाइन इज, टर्शियरी अमाइन कौन भी लिखते C3CH2H5 और यहाँ पे लोन पे लिखा इज रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो ये कार्बन सेंटर, ये वाला ये कार्बन सेंटर काइडल है, और ये नाइट्रोजन सेंटर भी क्या है काइडल है, ये रेड का मतलब क्या है
रेड का मतलब है काइरल, ठीक है। तो ये कार्बन भी सेंटर भी काइरल है और ये नाइट्रोजन भी। लिखा डिजॉल्वेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइरल इन एटम। अब देखो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था इनिशियल टेस्ट में, इन्वर्जन ऑफ अमाइन। नहीं पढ़ाया तो जाके मेरे चैनल पर देख लेना, वहां पे मैंने इसका वीडियो बना के रखा, इन्वर्जन ऑफ अमाइंस, ठीक है। अब इन्वर्जन ऑफ अमाइंस के कारण एलिफैटिक अमाइंस कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखला पाता, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखला पाएगा। तो यहां से रिजॉल्वेबल पॉसिबल नहीं है। दूसरा, रिजॉल्वेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइरल कार्बन सेंटर। ये कार्बन सेंटर है और यहाँ के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, अगर कार्बन काइरल हो तो रिजॉल्व हो सकता है, बट अगर नाइट्रोजन काइरल कार्बन हो तो रिजॉल्व हमेशा नहीं होगा। वो रिजॉल्व वहीं पे हो सकता है जहां पे किसी डिजिट पोजिशन में या डिजिट पोजिशन पे आएगा, ठीक है। दिस इज आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, predict about the relative boiling point of the following two amines. 3 degree है और ये 2 degree. Boiling point. Boiling point is directly proportional to intermolecular force of attraction. ये होता है, अब ढूंढो क्या difference है force of attraction में। तो इस केस में hydrogen bond बनेगा, इस केस में ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये नहीं बनाएगा, ये वाला बनाएगा, ठीक है। तो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Predict P in the following reaction. तो equation को पहचानो, ये कौन है? NaNO2 plus HCl, ये वाला reaction है, diazonium वाला। इसका reaction होता है तो primary amine का, क्या intermediate बनता है? तो carbocation बनता है, ठीक है। तो main product पूछा था, देखो यहाँ पे क्या होगा, Me3 लिखा है ना, so CH3, यहाँ पे CH2 है। अब देखो क्या होता है, HNO2 NO+ देता है और NH2 गायब होकर यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो अब इसको रीअरेंज करो तो क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो CH3 C+ CH2 CH3, फिर यहाँ पे एयर में से जो मॉइस्चर होता है वो उसको अटैक करके क्या बनाता है, CH3। तो यहाँ पे CH3 OH, ये दोनों क्या हो गया, C2H5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है। हमेशा डायजोनियम वाले रिएक्शन में एलिफैटिक में कार्बोकैटायन बनता है और रीअरेंजमेंट होता है, इस बात का ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो एक मैं पहले बोल लेता हूँ, एक रेडीमेड क्वेश्चन है, समझना है समझ लो, याद करना है याद करो, जो करना है करो, लेकिन इसको करो। ये हर एक दो साल में रिपीट होता है क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द बेसिस NH3 अमोनिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री भी हो सकता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कोई भी मीडियम मेंशन नहीं किया गया, जब कुछ भी मेंशन नहीं किया होता तो उसको हम बाय डिफॉल्ट एक्वस मीडियम डिसाइड करते हैं। और एक्वस मीडियम का ऑर्डर क्या होता है, अगर आर ग्रुप CH3 हो, अगर आर ग्रुप CH3 हो तो एक्वस मीडियम का ऑर्डर होता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3, ये बेसिक ऑर्डर है। और अगर r इज ग्रेटर देन CH3 मतलब C2H5 प्रोपाइल ऐसा कुछ है, देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन NH3, ये होता है कब, एक्वस मीडियम के केस में। याद करना याद कर लो, लॉजिक इसका बहुत सा है, ये ऑर्डर याद रखो आपके लिए बेटर। अगर गैसियस होता तो आंख बंद करके, गैसियस होने पे, गैसियस मीडियम होने पे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन NH3, ये होता है।
तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो एक्वस मीडियम सोचेंगे, और एक्वस मीडियम आंसर क्या होगा, 2,1,3 NH3, बिकॉज CH3 है, कौन होगा ये देख लो, 2,1 NH3 ए बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन ऑफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, D2 हमेशा याद रखना R CONH2 से आप RNH2 बनाते हो, तो यहाँ पे लास्ट में हाइड्रोजन आएगा या ड्यूटेरियम आएगा, उसके लिए रिएजेंट देखना, अगर यहाँ पे OH- है तो NH2 आएगा, और अगर OD- है, ठीक है, OD- है तो क्या आएगा, ND2 आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है RCOND2 और यहाँ पे मीडियम में OH- है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, RNH2 बनेगा। बट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है OD-, यहाँ पे क्या बनेगा, RNDD2 बनेगा। तो बस मीडियम ध्यान रखना है, ये जो लास्ट अमाइन का जो दो हाइड्रोजन होता है वो सॉल्वेंट से आता है, उसके लिए आप एक बार जाके मैकेनिज्म देख लेना जो सर ने आपको पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो गायब हो गया, अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो, क्या आ जाएगा, CH3 होल 3 C। अब N कनेक्ट हो गया, अब NH2 तो ठीक है, बस मीडियम में क्या है, D2O है, तो D2O में तो H होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ND2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, C। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर पॉसिबल फॉर प्रिपेयरिंग N ब्यूटेन बाय रिएक्शन विद इथाइल अमीन। अब देखो भाई यहाँ पे है, लॉजिक ये है कि RMGX plus NH2 इथाइल अमीन है, ओके, तो C2H5 भी होगा, अगर ऐसा रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, RH बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक का काम करेगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन में था कि कितने ग्रिग्नार्ड ब्यूटेन देंगे, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन है, कितने तरीके से ग्रिग्नार्ड आप ऑप्टेन कर सकते हो। देखो ब्यूटेन बनाना है तो कुछ ऐसा होगा, अब कहां कहां पे ब्रोमीन हो सकता है, यहां पे हो सकता है, ठीक है, और कहां हो सकता है, यहां पे मतलब ब्रोमीन नहीं लिखना चाहिए मुझे, हैलोजन लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा, यहाँ पे हैलोजन है और यहाँ पे हैलोजन, दो हो सकता है, 1 हेलो ब्यूटेन 2 हेलो ब्यूटेन नॉर्मल लिखा है, मतलब सब स्ट्रेट चेन रखना, अब यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है, फिर से 2 ही बनेगा, यहाँ रखने का फिर से क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल पूछा है, अगर स्ट्रक्चरल टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछता तो इसका आंसर 3 होता है, क्यों, देखो ये कार्बन काइरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल स्ट्रक्चरल पूछा है, तो स्ट्रक्चरल पूछा है तो केवल हम पोजिशन काउंट करें, चेन तो पॉसिबल है नहीं, फंक्शनल हो नहीं सकता, तो कितने अल्काइल हैलाइड है जो ग्रिग्नार्ड दे सकता है, तो ये 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। जब भी कोई नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रिग्नार्ड पूछे तो नंबर ऑफ पॉसिबल अल्काइल हैलाइड सोचो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन बी डिजॉल्व इनटू 2 इन इंस्ट्रूमेंट्स। रिजॉल्व बोलने का मतलब है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखलाना पड़ेगा भाई, ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखलाने के लिए आपके पास नाइट्रोजन सेंटर का काइरल, सॉरी जो नाइट्रोजन सेंटर है वो या तो ब्रिज हेड पे होना चाहिए या किसी रिंग में फंसा होना चाहिए, 3 मेंबर रिंग में या 4 मेंबर रिंग में, ठीक है, 5-6 वाले में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे NCH2CH3CH3H ये केस है। अब यहाँ पे देखो ये जो है एलिफेटिक है, यहाँ पे इन्वर्जन होगा, तो इन्वर्जन होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा, यहाँ पे इन्वर्जन पॉसिबल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब एक्टिविटी होने के बाद भी हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, यहाँ पे तो काइरल ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, अदरवाइज ये काइरल था, यहाँ पे ये काइरल है और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखलाएगा, क्यों दिखलाएगा, बिकॉज ये 3 मेंबरिंग में है तो ये यहाँ से हिल डुल नहीं सकता, इन्वर्जन नहीं कर सकता, ठीक है। 4 में अब यहाँ पे देखोगे NH2 तो काइरल है नहीं, लेकिन ध्यान दो ये कार्बन काइरल है तो यहाँ के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3N4, तो आंसर क्या हो गया, B। क्लियर है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये था आज का सॉल्यूशन। ऑलमोस्ट हमने सारा सिलेबस खत्म कर लिया, ठीक है। तो एक नेक्स्ट जो होगा वो मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पे डालूंगा, इंजन के रिएक्शंस पे। उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं।